भाई ये होता है 4x2 लाने का नतीजा, देख रहे हो सारे सवारियों को उतार दिया, धक्का और लगाना पड़ेगा तब जाके गाड़ी निकलेगी। भाई ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते मिलेंगे जब आप शिंकुला की तरफ जाओगे, ये देखो पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ गया और इसको मरम्मत का काम चल रहा है। सो भाई वो देखो सामने गोनबू रंजन का पहाड़, मतलब बहुत ही पवित्र पहाड़ है ये बुद्धिस्ट के लिए और यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और लास्ट टाइम जब मैं आया था, मेरी वीडियो देखना आप यहाँ पे, जब मैंने कैंपिंग की थी भाई, रोड नाम की चीज नहीं थी, अब करंट में रोड भी बना दिया। तो भाई जिस पर रह गया करीबन 12 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं जंस्कार वैली की तरफ। अभी पीछे गैमूर छोड़ा है और जिस्पा आने वाला है, बाकी जिस्पा में रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि पिछले महीने भी रुक के कैंपिंग करके गया था मैं जिस्पा के अंदर। हाँ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिस्पा के अंदर, अगर आप कैंपिंग साइट को ढूंढ रहे हो तो भाई वो वीडियो देख सकते हो आप, उसके अंदर आपको कैंपिंग साइट मिलेगी और काफी अच्छी मिलेगी, फ्री कैंपिंग साइट है, बस गंदगी मत फैलाना वहां पे। तो भाई जिस्पा के कैंप साइट के एरिया में पहुंच चुके हैं अभी लगभग, और भाई ट्रैफिक रश की बस मत पूछो, ट्रैफिक तो बहुत हैवी है यार, मतलब बहुत ज्यादा बंदे आए हैं। तो यहाँ कैंपिंग के लिए गए थे किसने वाला ना, मैं राजी यहाँ कैंपिंग करके गए थे। तो भाई जिस्पा छोड़ दिया हम लोगों ने पीछे और अब आएगा आगे दारचा, दारचा चेक पोस्ट पे देखते हैं अलाउ करते हैं नहीं करते, वो तो वहां पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। और रोड का भी अपडेट करता हूं मैं आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है, अभी ओपन है या नहीं है। तो भाई ये जो सामने आप गांव देख रहे हो, ये जो सामने गांव है ये है दारचा गांव, और नेटवर्क भी लास्ट यहीं पे है। उसके बाद जंस्कार क्रॉस करने के बाद मिलेंगे या फिर पांग जो आता है लद्दाख की तरफ उस वाले रोड पे मिलेंगे। सो देखते हैं आगे निकलने देते हैं या नहीं देते हम लोगों को। तो भाई दारचा चेक पोस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे करवानी होगी हमें एंट्री, उसके बाद हम लोग आगे निकल पाएंगे। सर दो लोग हैं जंस्कार की तरफ जा रहे हैं, जंस्कार तो भाई एक रास्ता घूम गया, ये चला गया ले की तरफ, हमें जाना है जंस्कार की तरफ, तो जंस्कार की तरफ चलते हैं हम लोग शिंकुला टॉप होते हुए। सो भाई शिंकुला यहां से है 39, पदुम है 143। सो वेदर क्लियर है, किसी को रोक नहीं रहे, आराम से आ जा सकते हो। भाई ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते मिलेंगे जब आप शिंकुला की तरफ जाओगे, ये देखो पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ गया और इसको मरम्मत का काम चल रहा है। और शिंकुला करीबन 25 किलोमीटर है और रोड का काम अभी भी चल रहा है, बीच बीच में ये पैचेस, अभी मैं पिछले साल आया था तब भी ये रोड ऐसा ही था और अभी ऐसा ही है, अभी तक बना नहीं है। बाकी नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, नेटवर्क हम मिलेंगे गोनबू रंजन क्रॉस करने के बाद। बाकी वेदर पूरा क्लियर है और साइड में रिवर चली रही है हमारे, अभी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, संस्कार अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना कोई रोक रहा है ना कुछ, और लद्दाख की तरफ भी निकल सकते हो आप लोग। सो भाई गोनबू रंजन रह गया 20 किलोमीटर और थोड़ा सा एक एरिया आया था, ये सोचा थोड़ी देर रुक लेते हैं और आसपास देखो क्या ही नज़ारे ऊपर तक, भाई बहुत खूबसूरत वैली है ये, और ये देखो और ये खड़ी हमारी चिमनी।
बाकी हवा चल रही है काफी तेज। और वो देखो चोटियां, ऊपर ऊपर स्नो मिलेगी हमें। उधर की साइड पे जाना है, वो जो एरिया है उधर की साइड पे शिंकुला टॉप है, उसी के वहां पे पहुंचना है, स्नो मिलेगी वहां पे। भाई ये होता है 4x2 लाने का नतीजा, देख रहे हो सारे सवारियों को उतार दिया, धक्का और लगाना पड़ेगा तब जाके गाड़ी निकलेगी। तो भाई जो जो दिल्ली की गर्मी से परेशान है, मैदानी इलाकों में गर्मी से परेशान है, भाई आ जाओ, स्नो ही स्नो मिलेगी। शिंकुला टॉप की तरफ आ जाना और थोड़ा सा जिगरा बड़ा लेके आना। और इस तरह की ऑफ रोडिंग के लिए तैयार रहना। छोटी गाड़ी वाले आ गए तो भाई चैम्बर ही जाएगा, ध्यान रखना। भाई देखो क्या ही शानदार व्यू मिल रहा है, दोनों साइड बर्फ है और टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। रोड बड़ा गजब है भाई, और सर्दी हो रही है तो बाहर निकलेंगे तो जैकेट पहन के ही निकलना है। और थोड़ी देर में शिंकला टॉप आने वाला है। कोई सोच सकता है, देखो सोचने में, पहाड़ों में नीचे गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, आग बरस रही है और ऊपर देखो क्या ही नजारे हैं, बिल्कुल ठंडक भरी, बिल्कुल सर्द भरी हवाएं चल रही हैं। सो भाई पदम 104 और ले 404, परम 104 और लद्दाख ले वो है 404। तो भाई लो पहुंच चुका हूँ मैं शिंकुला टॉप पे, ये देख सकते हो आप, और ये है मेरे पीछे शिंकुला लेक जो कि पूरी फ्रोजन है। और शिंकुला टॉप का जो बोर्ड है वो पीछे लगा हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो मैं लेक का व्यू दिखाता हूँ आपको फ्रंट से। तो ये देखो पूरी पूरी जो लेक है वो फ्रोजन है और काफी सारी स्नो अवेलेबल है अभी शिंकुला टॉप पे। और यहाँ खड़ी है अपनी जिमनी, सो वो टॉप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ से नीचे उतरेंगे गॉनबो रंजन की तरफ। सो भाई हवा भी बहुत तेज चल रही है, यहाँ से चले थोड़ी देर में नीचे गॉनबो रंजन की तरफ। और मनाली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 139 किलोमीटर पीछे रह गया। और भाई सामने का टॉप देखो क्या ही गजब है।
देखो हवा चल रही है काफी खतरनाक वाली, और ये देखो स्नो, चारों तरफ स्नो ही स्नो है भाई। बर्फ के मजे लेने शिंगला टॉप पे आ जाओ। और ये खड़ी अपनी चिमनी, 4x2 के साथ आ रहे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के आना। तो भाई हम लोग पहुंच गए 16,580 फीट, जो कि शिंकला टॉप है। तो भाई ये जो लोडर आप देख रहे हो, प्यारो इसी से स्नो हटाने का काम करते हैं। ये देखो कितनी कितना बड़ा लोडर है। यू आर इन लद्दाख। तो भाई आप एक काम करते हैं, चलते हैं वापस गाड़ी के अंदर, क्योंकि हवा चल रही है काफी तेज, और निकलते हैं गौनपुर इंजन की तरफ, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। तो भाई अब बारी है शिंकुला टॉप को छोड़ के जाने की। अब हम लोग वहां नीचे जा रहे हैं गौनपुर इंजन की तरफ। बाकी रोड की कंडीशन काफी खतरनाक है यार। अभी आगे जो गौनपुर इंजन आएगा ना, उसके पास ज्यादा खराब मिलेगी, इसकी लोकेशन खराब। बाकी यहाँ पे ना देखो, एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं आप सभी को, अगर यहाँ पे आ रहे हो पानी कंटिन्यू पीते रहो, हर आधे घंटे में पानी पियोगे तो AMS की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वरना आपको सर दर्द, चक्कर, थोड़ा सा जी खराब होना, ये सारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो कंटिन्यू पानी पीते रहे मेरे दोस्तों, AMS से बचना है तो पहाड़ों पे, और डायरेक्ट मत आना नीचे जिस्पा या उसके आसपास के एरिया में, एक रात स्टे करना ताकि बॉडी को थोड़ा सा ना, बॉडी थोड़ी एडजस्ट हो पाए यहाँ के अकॉर्डिंग। आने में आ सकते हो बट AMS होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आप डायरेक्ट आते हो तो, क्योंकि 16,580 फीट कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो आप 16,500 फीट को छोड़ के आप डायरेक्ट जाएंगे सीधा नीचे, और गौनपुर इंजन लास्ट हम शायद पहुंच जाएंगे करीबन आधे घंटे में, आधे से एक घंटे में पहुंच जाएंगे गौनपुर इंजन। तो देखते हैं, बाकी सर्दी तो देखो है, 4 डिग्री सेल्सियस है अभी बाहर तापमान, कहां हम 44 डिग्री के अंदर थे और कहां हम लोग 4 डिग्री के अंदर आ गए, 40 डिग्री पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। और बाहर हो रही है, देखो बाहर हो रही है स्नोफॉल, अगर आपको दिख रहा हो तो बाहर भाई लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है मेरे दोस्तों। भाई तो टेम्परेचर और डाउन होगा अभी तो। अगर भाई आप लोग शिंपला टॉप से आ रहे हो और गौनपुर इंजन जाना है तो इस ब्रिज का ध्यान जरूर रखना। एक रास्ता ये जाता है नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा खराब रास्ता है, सो वहां से लेफ्ट ना लेके राइट लेना, यहां से राइट लेना, और ये रास्ता जो है ये बिल्कुल फ्रेश रोड बना है। अगर जाने में ये रास्ता नीचे वाला जो है ये रास्ता भी जाता है, बट ये रास्ता बहुत ज्यादा ऑफ रोड है, और पानी के ट्रेल्स भी, अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो ये रास्ता चुनना, और अगर प्लेन रास्ते से जाना चाहते हो
सो वहां से राइट ले लेना और वहां से ऊपर घूम के यहाँ पे आ जाना, ये मेन रोड मिल जाएगी आपको। ये रास्ता भी गोनबोरंजन को जा रहा है और बिल्कुल ही प्लेन नया रोड बनाया है ये, तो बाकी आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया। और गोनबोरंजन पहाड़ी यही है, इसके दूसरी तरफ से थोड़ा अच्छा व्यू मिलेगा, तो चलो यहाँ से चलते हैं। सो भाई गोनबोरंजन रह गया यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर रह गया। और मेरे जस्ट साइड में गोनबोरंजन है, मतलब गोनबोरंजन का जो कैंपिंग करते हैं जहाँ पे, वो एरिया आ गया। बट हमारा, हम लोगों का कोई प्लान नहीं है गोनबोरंजन में कैंपिंग करने का, हम लोग गोनबोरंजन से आगे निकलेंगे। बाकी थोड़ी देर के लिए एक बार नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू 2024 में। हाल फिलहाल अगर आप कैंपिंग करने आते हो तो आपको कैसा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, सो उस चीज के लिए ही मैं नीचे जाऊँगा गोनबोरंजन की तरफ। और जो फेमस माउंटेन है गोनबोरंजन, उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। बस थोड़ी देर में मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। सो भाई वो देखो सामने गोनबोरंजन का पहाड़, मतलब बहुत ही पवित्र पहाड़ है ये बुद्धिस्ट के लिए और यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और लास्ट टाइम जब मैं आया था, मेरी वीडियो देखना आप यहाँ पे, जब मैंने कैंपिंग की थी भाई, रोड नाम की चीज नहीं थी, अब करंट में रोड भी बना दिया। और इस ग्राउंड में, ये जो सामने ग्राउंड है, इन टेंटों के दूसरी तरफ यहीं पे मैंने कैंपिंग की थी अपनी, इधर की साइड पे, और उस टाइम मैं सोलो था। यहाँ कोई अपनी पर्सनल कैंपिंग कर रहा है।